तो ये केस था, एक लगभग 25 साल की फीमेल है, मेडिकल स्टूडेंट है वो। उसने एक्यूट एब्डोमेन के साथ मुझे अप्रोच किया। ऑब्वियसली इट वाज ऑनलाइन। पेशेंट जो है वो यहाँ इस शहर में नहीं है, पेशेंट जो है किसी और शहर में है, मुंबई से काफी दूर। तो उनको एक्यूट एब्डोमेन हो रहा था, यानी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। और जब उनका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराया गया, यानी कि उनको जब अल्ट्रासाउंड करवाया गया होल एब्डोमेन का, तो उसके अंदर ये डायग्नोसिस निकल कर आया कि उनके जो उनका जो अपेंडिक्स है वो इन्फ्लेम्ड है। ये उनका सोनोग्राफी रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं जो इसका इम्प्रेशन है। राइट इलेक फोसा विथ थिकंड वाइट थिकंड वॉल्स एंड वॉल टू वॉल डायमीटर 8 mm माइल्ड एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन एंड प्रोब टेंडरनेस। प्रोब टेंडरनेस यानी वहां दबाने से दर्द हो रहा है। जब वो सोनोग्राफी एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस वक्त भी उसको दर्द हो रहा है। नो सिग्निफिकेंट पेरी अपेंडिकल पेरिसिकल कलेक्शन सीन इन प्रेजेंट स्कैन। फाइंडिंग्स लाइकली रिप्रेजेंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो ये कंफर्म था कि ये केस जो है वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का है। यूजुअली या नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या एडवाइस किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट ये एडवाइस किया जाता है कि उसको आप ऑपरेट करके निकाल दीजिए, उसको कट करके निकाल दीजिए, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। कि इस ऑर्गन का तो कोई काम ही नहीं है, और क्योंकि इस ऑर्गन का कोई काम नहीं है तो इसको रख के क्या फायदा, उसमें सूजन है तो उसको काट के हटा दीजिए। वो क्या चीफ कंप्लेन थे जिन चीफ कंप्लेन के साथ इस पेशेंट ने हमसे कॉन्टेक्ट किया? तो इस पेशेंट के टोटल 4 कंप्लेन थे। इसके अंदर एक मिस टाइपिंग हो गई है। पेन इन एब्डोमेन, नौशिया, वॉमिटिंग और फीवर। ऑल्दो फीवर क्योंकि वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी, तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पैरासिटामोल और एंटीपायरेटिक्स उनको फीवर के कोई एपिसोड्स नहीं आ रहे थे, बट पेन सीवियर पेन था एब्डोमेन में, नौशिया बहुत सीवियर था और वॉमिटिंग बार बार हो रहा था। तो ये तो हो गए उस पेशेंट के चीफ कंप्लेन जिसलिए उसने हमें कांटेक्ट किया। लेकिन अब हमको ऑर्गनॉन कैसे मदद करता है? जैसे जैसे हमने एक डिजीज डायग्नोज किया है कि ये अपेंडिसाइटिस है, वैसे ही हमको हमारे ऑर्गनॉन में भी ये बताया गया है कि हमको भी डायग्नोज करना है कि किस तरह का क्लिनिकल कंडीशन है, क्या ये एक्यूट कंडीशन है या क्रॉनिक कंडीशन है। तो हमको पता है कि एक्यूट का क्या डेफिनेशन होता है, जो सडन ऑनसेट हो, जिसकी परसेप्टिबल बिगिनिंग हो, जो रैपिड कोर्स हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो, जो या तो पेशेंट को हेल्थ में कन्वर्ट कर देगा या फिर वो डेथ में कन्वर्ट कर देगा, तो अपने आप ही टर्मिनेट भी हो जाएगा। जबकि क्रॉनिक डिजीज क्या होते हैं, वो ग्रेजुअली चलते जाते हैं चलते जाते हैं। इनका कब शुरुआत हुई वो हमको पता है। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो डिजीज है ये कौन सा डिजीज है? ये है एक्यूट डिजीज। अच्छा, अब एक्यूट डिजीज में भी कौन सा वाला एक्यूट डिजीज? क्योंकि हमने ऑर्गेनॉन में पढ़ा कि हमारे पास तो 3 तरह के एक्यूट डिजीज हो सकते हैं, या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं, या स्पोराडिक हो सकते हैं, या एपिडेमिक हो सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब जो किसी को इंडिविजुअली एक इंडिविजुअली उसको अफेक्ट करे, और स्पोराडिक यानी कि जो ढेर सारे लोगों को अफेक्ट करे सेम टाइम पे, यहाँ वहाँ छुटपुट घटनाएं आपको देखने को मिले, और एपिडेमिक जो बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही समय पर और एक ही स्थान पर अफेक्ट करे, जिसको कि हम एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। तो अब अगर इसको भी डेफिनेशन के साथ समराइज किया जाए तो ये जो पेशेंट है ये कौन से हम इसमें कैटेगरी में बैठता है? ये इंडिविजुअल कैटेगरी में बैठता है। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ डिजीज? इट इज एक्यूट डिजीज। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच हमको लगाना चाहिए यहाँ पे? तो हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा वो एक्यूट स्ट्रैटेजी होगा, एक्यूट प्लान ऑफ एक्शन होगा। जैसे हम एक्यूट का ट्रीटमेंट करते हैं वही वही प्लान हमको यहाँ एडॉप्ट करना है। अच्छा, कैसे हम एक्यूट का ट्रीटमेंट करते हैं? व्हाट इज अवर एक्यूट स्ट्रैटेजी? एक्यूट स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे पास एक्साइटिंग कॉज होना चाहिए, प्लस हमारे पास सिम्टम्स ऑफ द मोमेंट, यानी उस वक्त उस समय तत्काल में मरीज क्या क्या सफर कर रहा है वो हमारे पास होना चाहिए। सिंस द कंप्लेंट्स बिगेन, जब से उसको दिक्कत शुरू हुई है तब से उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स लगी हुई है ये हमको जानना है। तो इन दोनों को जब एक्साइटिंग कॉज और जो प्रेजेंट सिम्टम्स हैं उन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक्यूट टोटालिटी आ जाती है। हाउ डू वी नो दिस स्ट्रैटेजी? ये स्ट्रैटेजी हमको कहाँ से पता लगती?
सिंपल है ना, हमको ऑर्गेनॉन में डॉक्टर हनीमन ने हमको बताया, कौन से एफोरिज्म्स में उन्होंने हमको बताया, तो उन्होंने ऐसे तो बहुत सारे एफोरिज्म बताया अलग अलग जगह पर, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा उन्होंने स्कैटर्ड रखा है, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो मोटा मोटा उन्होंने जो बताया है वो है एफोरिज्म नंबर 5 और एफोरिज्म नंबर 99। अब अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज, ये है इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज, यानी कि इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज का जो हमको देखना है वो हमको सेवरल पेशेंट स्टडी नहीं करना है जैसे हमको स्पोरैडिक और एपिडेमिक में करना था, बल्कि यहाँ पर हमको उस इंडिविजुअल की स्टडी करनी है, तो हमको कॉज भी उस इंडिविजुअल के इसमें मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं एफोरिज्म नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा है, तो वहां पर वो हमको बताते हैं, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। तो यहाँ पर वो हमको एफोरिज्म नंबर 5 में क्या बता रहे हैं, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज, यानी अगर हमको एक्यूट डिजीज को सॉल्व करना है, एक्यूट डिजीज को अगर हमको क्योर करना है, तो हमको क्या चाहिए, पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, हमको उस बीमारी को लाने वाली जो कॉज होगी उसके डिटेल्स के बारे में हमको जानना, जिसने भी उस बीमारी को एक्साइट किया है, उस एक्यूट डिजीज को एक्साइट किया है, उस कॉज के डिटेल्स हमको समझना है। और अगर यही केस क्रॉनिक होता तो हमको मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, पूरा केस हिस्ट्री लेना पड़ता, पूरा लंबा चौड़ा इतिहास उसका हमको निकालना पड़ता, जिसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, उसका इंटेलेक्ट भी आएगा, वो क्या काम करता है, कैसे रहता है, उसका रहन सहन कैसा, उसकी जीवन शैली कैसी, उसका एज क्या है, सेक्सुअल फंक्शंस क्या है, उसका बिहेवियर कैसे, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास ये एक्यूट इंडिविजुअल केस आया है, एक्यूट इंडिविजुअल डिजीज आया है, तो इसमें हमको एक्साइटिंग कॉज ढूंढना है। नेक्स्ट समराइज करते हैं, एक्यूट कॉज में हमको क्रॉनिक, एक्यूट केस में हमको एक्साइटिंग कॉज देखना है, और जो सबसे ज्यादा चांसेस रखता है उस कॉज को हमको इंक्लूड करना। फिर हमने ये भी कहा था कि 99 में भी वो हमको बताते हैं, तो 99 एफोरिज्म में वो हमसे ये कहते हैं, ऑन द होल द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्यूट डिजीजेस और ऑफ सच एज हैव एग्जिस्टेड बट अ शॉर्ट टाइम इज मच द इजिएस्ट, एक्यूट केस को सॉल्व करना सबसे आसान है फॉर द फिजिशियन, क्योंकि हम जो फिजिशियंस हैं सारे फिनोमेना को हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं और बहुत कुछ उस पेशेंट को भी याद रहेगा, बिकॉज ऑल द फिनोमेना एंड डेविएशंस फ्रॉम द हेल्थ दैट हैज बीन पुट रिसेंटली लॉस्ट आर स्टिल फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ द पेशेंट एंड हिज फ्रेंड्स स्टिल कंटिन्यू टू बी नोबल एंड स्ट्राइकिंग, द फिजिशियन सर्टेनली रिक्वायर्स टू नो एवरीथिंग इन सच केसेस ऑल्सो बट ही हैज मच लेस टू इंक्वायर इन टू, दे आर फॉर द मोस्ट पार्ट स्पॉन्टेनियसली डिटेल टू हिम, जो कुछ भी उसके साथ सिम्टम्स हैं वो सब हमको तुरंत तत्काल हमको मालूम पड़ जाते हैं, यानी सिम्टम्स ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। तो एक्यूट डिजीज का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो एक्साइटिंग कॉज, फिर सिम्टम्स ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, अगर उसके जो मोडालिटीज हैं वो एक्यूट केस टेकिंग इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, एक्यूट केस टेकिंग इज इक्वल टू एक्साइटिंग कॉज प्लस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स विद मोडालिटीज। अब इस केस पर दोबारा लौट कर आते हैं, तो हमको ये तो पता लग गया कि हमारा डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट इंडिविजुअल डिजीज है, हमारा डायग्नोसिस हमको पता लग गया, तो हमको हमारा अप्रोच भी पता लग गया, अप्रोच क्या है, एक्साइटिंग कॉज प्लस प्रेजेंट सिम्टम्स, जो अभी भी अभी जो सिम्टम्स मौजूद है हमको वही देखना है। तो अब इस पेशेंट ने हमको तीन सिम्टम्स बताया, आई मीन चार सिम्टम्स बताए थे, कि उसको फीवर है, उसको एब्डोमिनल पेन है, उसको नौशिया है, उसको वॉमिटिंग। क्या इतने से हमारा काम हो जाएगा, इतने से हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमको इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स चाहिए, क्योंकि हमको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स चाहिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स चाहिए जो क्वालिफाई कर सकें, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। आप अगर सारे अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स को देखो तो ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ही जनरल सिम्टम्स हैं, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, लगभग हर अपेंडिसाइटिस के केस में ये हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हमने उसको केस को इंक्वायर किया तो उसमें कुछ हमको जानकारी मिली, ऑन एडिशनल रिक्वेस्ट उसने हमको ये बताया कि उसका जो एब्डोमेन है वो फूल जाता है, वो डिस्टेंड हो जाता है, और ये जो
ये जो एब्डोमेन का डिस्टेंशन है, उसका एक्सपांशन है और एक एब्डोमेन एकदम टाइट हो जाएगा, ये ज्यादातर सुबह के वक्त होता है। सुबह का जो समय होता है उस समय ये बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये जो डिस्टेंशन है ये इतना ज्यादा होता है, ये जो पेट का टाइटनेस है वो इतना ज्यादा होता है कि उसको अपने कपड़े लूज करने पड़ते हैं, उसको अपने कपड़ों का भी जो प्रेशर है वो भी उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको थोड़ा सा कपड़ों को लूज रखना पड़ता है ताकि ताकि उसको पेन एब्डोमेन में प्रॉब्लम ना हो। तो वेस्ट के पास कमर के हिस्से में किसी भी तरह का प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब क्योंकि अब हमको कॉज चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको कॉज चाहिए, और ये एक्यूट डिजीज है। तो कॉज कहाँ पर होगा? डेफिनेटली एक्यूट डिजीज है, एक दिन दो दिन चार दिन जब से भी ये डिजीज शुरू हुआ है ठीक उसके पहले हमको ये कॉज ढूंढना है। तो हम हमेशा पेशेंट से पूछेंगे कि जब भी ये प्रॉब्लम शुरू हुई उसके एक दिन पहले क्या हुआ था। तो अब उसकी जो स्टोरी है वो आपको सुननी चाहिए, व्हाट हैड हैपेंड अ डे बिफोर, एक दिन पहले जब भी दिक्कत शुरू हुई क्या दिक्कत हुई थी, क्या हुआ था आपकी लाइफ में। थोड़ा सा आप अगर पेशेंट से इंक्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर निकल कर आएगा। तो अब जो स्टोरी थी वो कुछ ऐसी थी कि उनका उनके भाई से बहुत ही छोटे और बहुत ही ट्रिफलिंग बात पर कुछ झगड़ा हो गया था जो कि बहुत ही अनइम्पोर्टेंट था। उस झगड़े का कोई कोई सिर पैर नहीं था, जैसे आम भाई बहनों में होता है बस वैसे ही भाई भाई बहनों का झगड़ा हो गया, तकरार हो गई। इस तकरार के दौरान, इस झगड़े के दौरान, जैसे भाई बहन होते हैं एक दूसरे को गाली गलौज दे देते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कह देते हैं, यहां पर भी उसने भाई ने कुछ ऐसा ही कह दिया। भाई ने उसको एक तरीके से कर्स कर दिया कि जा तू विधवा हो जाए, तेरा जो हस्बैंड है ना वो मर जाएगा। ऑल्दो शी इज नॉट मैरिड बट शी इज एंगेज्ड। तो अब उसके मन में जैसे ही उसने ये बात कही, उसके भाई ने, इस पेशेंट के मन में ये बात एकदम धक्के जैसा लगा अगर कहीं ऐसा हो गया तो। और ये जो था, ये जो डर इसके मन में आया इस अपशकुन को सोचकर, इस बुरी बात को सोचकर या इस कर्स को सुनकर, इसने इसको टेरिफाई कर दिया, इसने इसको डर के मारे थरथरी दे दी। शी वॉज लेफ्ट इन फ्राइट फॉर लॉन्ग, बहुत देर तक वो इस डर में रही और लगातार उसके दिमाग में ये चलता रहा, ये डर बैठा रहा, कहीं ऐसा हो गया तो, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, कहीं कुछ सचमुच में ऐसे हो गया तो, कहीं सरस्वती बैठ गई तो जुबान पे। और इस तरह की डर के साथ उसकी पूरी रात बीती। अब उसका जो उससे जब हमने आगे पूछा कि आप अपने बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप क्या फील करते हैं, उसने बोला कि सर उस दिन के बाद से वो मुझे इतना डर बैठ गया है कि बार बार मेरे मन में वही थॉट आता है। और दूसरी बात ये कि पता नहीं क्यों मुझे रोना बहुत आ रहा है, जब भी मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, खास करके घर वालों को अगर मैं देखती हूँ तो, किसी फ्रेंड को अगर मैं देखती हूँ तो, मुझे अपने ऊपर ये सोचकर रोना आ जा रहा है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, और मैं हर छोटी बात पर रोने लग जा रही हूं। मुझे लगता है कि पता नहीं मैं बचूंगी या नहीं, मैं नहीं बचूंगी क्योंकि इतना बड़ा मुझे अपेंडिसाइटिस हो गया है, इतना प्रॉब्लम्स हो गया है मुझे, इतना दर्द कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं बचूंगी। मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है और मुझे इस बात का हमेशा डर रह रहा है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, और इस वजह से मैं बार बार अपना पल्स, अपना रेस्पिरेशन, अपने हार्ट की बीट्स, अपने दिल की धड़कन, इन सब चीजों को मैं बहुत बारीकी से देखती रहती हूँ। जरा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मुझे डर लगने लग जाता है, और मैं हमेशा इस पे ध्यान रखती हूँ कि मेरा पल्स क्या चल रहा है, मेरी रेस्पिरेशन रेट कैसी चल रही है, मेरे साथ सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। यही मेरा रूटीन बन चुका है। सब डॉक्टर्स को मैंने दिखाया और सबने ये बोला है कि इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, अपेंडेक्टॉमी करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
पर मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। मैंने पूछा क्यों नहीं करवाना है, बोला वो कितना पेनफुल होगा ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद भी तो कितना दिन तक वो हीलिंग करने में ही कितना कम से कम महीना 1.5 महीना जाएगा, तो इतना पेनफुल होगा मैं तो उस पेन को विजुअलाइज भी नहीं कर सकती, मैं तो वो सोच भी नहीं सकती। अगर मैं ये इमेजिन भी करूं कि मैं मेरा ऑपरेशन होने वाला है तो भी मैं डर जा रही हूँ, मेरे हाथ पैर में थरथरी आ जा रही है, और मैं इतना मुझे डर लग रहा है, इतना मैं घबरा रही हूँ कि मुझे हमेशा कोई ना कोई मेरे आसपास चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब मैं सोई भी रहूँ तो भी कोई मेरे आसपास रहे, अगर कुछ हो गया तो। मैंने पूछा ऐसे क्यों आपको कोई आसपास चाहिए, तो कहते हैं अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई तो होना चाहिए ना जो डॉक्टर को बुला के लाए, या कोई हो जो, मैं किसको बुलाऊंगी, मैं कैसे, अगर अगर मैं तकलीफ में रहूंगी तो मैं किसी को बुला भी कैसे पाऊंगी, अगर कोई कुछ गलत हो गया मेरे साथ तो, मैं अगर ठीक ठाक नहीं रही तो कोई तो होना चाहिए ना जो मेरी मेरी केयर करे। तो ये उसका केस था। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि और कोई चीज आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए, बोले कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आजकल ना कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है, जैसे कि आइसक्रीम हो गया या कुछ ऐसे कुछ भी जो जो मेरे पेट को थोड़ा सा ठंडा दे, जो मुझे अच्छा लग रहा है, ये मन हो रहा है खाने का। अगर मुझे खाना भी कोई देता है तो वो गर्म खाना नहीं खा रही हूं, मैं उसको ठंडा करके ही खा रही हूं। दैट्स ऑल द केस हैज टू ऑफर। इस केस को बस इतना ही हमको देना था और उसने हमको ये सब जानकारियां दी हैं। सो लेट्स क्विकली एनालाइज एंड इवेलुएट, इसको ढंग से एनालाइज करते हैं और इसका मूल्यांकन करते हैं हर सिम्टम्स का। अब हमने ऑर्गेनॉन का रेफरेंस लिया था और उसमें हमने ये फॉर्मूला देखा था कि हमारे पास एक्साइटिंग कॉज होना चाहिए एक्यूट केस के लिए, प्लस जो प्रेजेंट सिम्टम्स है मोमेंट के, उस वक्त जो सिम्टम्स मौजूद हैं वो हमारे पास होने चाहिए। तो हमारे पास कॉज होना चाहिए और प्रेजेंट सिम्टम्स होने चाहिए। तो कॉज क्या है इसमें, कॉज है कि वो डर गई, उसके मन में फियर आ गया, उसके मन में फ्राइट आ गई कि कहीं मेरे हस्बैंड को कुछ हो ना जाए या उसके स्पाउस को कुछ हो ना जाए। प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिम्टम्स क्या थे उसके, सिम्टम्स ये हैं कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है, हर छोटी बात पर रो दे रही है, एंशियस है, वीपिंग डिस्पोजिशन है, मरने का डर लग रहा है, दर्द का डर लग रहा है कि अगर ऑपरेशन होगा तो बहुत दर्द करेगा, और कोई ना कोई उसको साथ में चाहिए यानी कंपनी चाहिए। सो देयर इज डिजायर फॉर कंपनी। ये तो सिम्टम्स हो गए हमारे माइंड माइंड के। फिर बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हमको मिल रहे हैं, तो सबसे पहला सिम्टम तो यही है कि उसका जो अपेंडिक्स है वो इन्फ्लेम्ड है, ये पर्टिकुलर लेवल पर अगर बात करें तो। फिर दूसरा सिम्टम हमको मिलता है कि उसका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंड हो रहा है, और खास करके सुबह के वक्त डिस्टेंड हो रहा है। इस डिस्टेंशन में वो उसको क्या होता है कि प्रेशर हो जाता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो अब वो अपने कपड़ों को अनटाई कर देते हैं, अपने कपड़े खोल देते हैं या थोड़ा सा बटन रिलीज कर देते हैं ताकि कपड़ों का जो प्रेशर है वो एब्डोमेन पर ना पड़े, जिससे उनको अच्छा लगता है, तो फील्स बेटर बाय रिलीज ऑफ प्रेशर ऑफ क्लोथ्स। एंड देयर इज डिजायर फॉर कोल्ड फूड, ये हमारा सिम्टम था। देखते हैं रेपर्टरी में हमारे पास क्या है, फिर से एक बार रेपर्टरी एनालिसिस करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं। तो रेपर्टरी में कॉज अगर देखा जाए तो हमको मिलता है माइंड फ्राइट फियर एग्रेवेट एलिमेंट्स फ्रॉम। आप कोई भी रेपर्टरी यूज कर सकते हैं जो केंट की फिलॉसफी पर बेस्ड होगी, क्योंकि इस केस में माइंड के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, तो जो भी रेपर्टरी केंटियन फिलॉसफी पर बेस्ड होगी वो हर रेपर्टरी आपको इसमें हेल्प करेगी। आपको वहां पर कुछ वर्ड्स डिफरेंट मिल सकते हैं लेकिन रूब्रिक्स लगभग ऐसे ही होंगे, और मोर और लेस जो रेमेडीज होंगी वो भी लगभग ऐसे ही होंगे। तो पहला जो सिम्टम हमको मिला, कॉज कॉज क्या था, माइंड फ्राइट फियर एग्रीवेट एलिमेंट्स फ्रॉम। किसी और रिपोर्टरी में हो सकता है आपको एलिमेंट्स फ्रॉम फियर फ्राइट मिल जाए, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमको ये रूब्रिक मिलता है माइंड फ्राइट फियर एग्रीवेट एलिमेंट्स फ्रॉम। सेकेंड हम देखते हैं सिम्टम्स फ्रॉम माइंड। अब माइंड के जो सिम्टम्स थे वो क्या क्या हमको मिले, माइंड वीपिंग टीयरफुल मूड इजीली, बहुत आसानी से रो देती है, जरा जरा सी बात पर रो देती है। माइंड एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो गया तो कोई होना चाहिए, बार बार अपना पल्स चेक करती है,
ये क्या है, ये उसका स्टेट ऑफ एंग्जाइटी दिखा रहा है कि वो, उसका स्टेट ऑफ एंग्जाइटी दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है अपने स्वास्थ्य को लेकर, और कितना ज्यादा घबराई हुई कि इतना कि वो अपने हार्ट के बीट्स के ऊपर भी बहुत बारीक नजर रखी है, अपने पल्स के ऊपर भी बहुत बारीक नजर उसने रखा हुआ है, अपने रेस्पिरेशन रेट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है। ये क्या है, एक इंटेंस लेवल की एंग्जाइटी, जिसको हम कहते हैं माइंड एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल। हाइपोकॉन्ड्रियाकल का मतलब होता है एंग्जाइटी जो अपनी सीमा से परे हो, जो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया हो, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। अब इस एंग्जाइटी को वो रिलीव कैसे करती है, उसको कोई साथ में चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए कमरे में, ताकि अगर उसको कुछ हो तो वो वहां पर मदद करने के लिए मौजूद हो। ये हमको रूब्रिक मिलता है माइंड कंपनी डिजायर फॉर। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है उसको, इस दौरान उसको और क्या क्या महसूस हो रहा है। एक कि उसको उसकी जान जाने का डर उसको सता रहा है कि कहीं उसकी जान ना चली जाए। रूब्रिक है माइंड फियर डेथ ऑफ। और लास्ट जो है कि वो ऑपरेशन इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि बहुत पेनफुल होगा, पता नहीं कितना सहना पड़े, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो रूब्रिक है माइंड फियर पेन ऑफ। बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हमको मिले, एब्डोमेन डिस्टेंशन मॉर्निंग। दूसरा हमको क्या मिला, एब्डोमेन इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस। तीसरा हमको क्या मिला, जनरलिटीज क्लोथिंग इनटॉलरेंस ऑफ, उसको जो कपड़े पहनती है वो कपड़ों का प्रेशर टॉलरेट नहीं हो रहा है, और वो लूजनिंग से एमलोरेशन हो रहा है, यानी उसको जब वो लूज कर देगी तो उसको अच्छा लग रहा है। एंड लास्ट जनरलिटीज फूड एंड ड्रिंक्स कोल्ड फूड डिजायर। आप अगर ध्यान से देखें ये जितने भी सिम्टम्स हमने देखे हैं, इनको आप जो हमने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का जो लेक्चर लिया था उसके साथ कंपेयर करके देखिए, आपको कॉज भी मिल रहा है, आपको इंटेंसिफाइड माइंड सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, आपको बॉडीली सिम्टम्स में भी लोकेशन सेंसेशन मोडालिटीज टाइम यही सब कुछ मिल रहे हैं, कॉन्कॉमिटेंट्स यही सब कुछ मिल रहे हैं। अब अगर इसको हम लोग रेपर्टरी में देखते हैं, तो रेपर्टरी एनालिसिस में आप देखते हैं हमको बेलाडोना, सल्फर, आर्सेनिक, ये सारे सिम्टम्स हमको मिल रहे हैं, फॉस्फोरस, ये सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर लेट अस से कि वो आर्सेनिक क्यों नहीं है, हमको हमको एंजाइटी दिखाई दे रही है, फियर ऑफ डेथ भी दिखाई दे रहा है, हमको लगभग मिलता जुलता है हाइपोकॉन्ड्रियाकल चीज भी दिख रहा है, बट आर्सेनिक का थर्स्ट एब्सेंट है, बट आर्सेनिक का थर्स्ट एब्सेंट है, प्लस आर्सेनिक के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा वो प्रोफाउंड वीकनेस हो जाता है, तो आर्सेनिक रूल आउट हो जाता है। कम्स सल्फर। सल्फर यूजुअली ऐसा कह नहीं सकते अगर उसका डिस्पोजिशन मैच करे तो, लेकिन सल्फर जो है वो इट इज यूजुअली अ क्रॉनिक रेमेडी। फॉस्फोरस अगेन एक्यूट एब्डोमेन में बहुत काम की मेडिसिन है, बट ये फॉस्फोरस जो है इसके अंदर आइसक्रीम्स का, आइस कोल्ड वाटर का, यहाँ पर उसको कोल्ड फूड की डिजायर तो है लेकिन आइस कोल्ड वाटर की बात नहीं है, उसको ठंडा खाना चाहिए, और कहीं भी पेट में कहीं बर्निंग वर्निंग का कोई उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किसी तरह का बर्निंग हो या किसी तरह का कोई दिक्कत हो। अगर बर्निंग होती तो हो सकता है आर्सेनिक भी पिक्चर में आ जाती, फॉस्फरस भी पिक्चर में आ जाती। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना, बेलाडोना की एक खासियत है कि अगर पेशेंट को सपोज आज फ्राइट हुआ है तो उसका जो कंप्लेन होगा वो कल तक या 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद ऐसे डेवलप होगा, ऑब्वियसली 12 13 घंटे के बाद उसका कंप्लेंट डेवलप होगा। उसी जगह पे अगर एको नाइट होता तो उसका कंप्लेंट तत्काल में, यानी अभी फ्राइट हुआ है तो अभी से उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। पेस ऑफ द डिजीज, पेस ऑफ द मेडिसिन, हमने इस पेशेंट को बेलेडोना 30 CH प्रिस्क्राइब किया एवरी 2 आवरली, एंड जो फॉलोअप था नेक्स्ट 24 आवर्स में, हमने रेगुलरली इसका फॉलोअप लिया था, एवरी 24 आवर्स में हम उसका फॉलोअप ले रहे थे, तो फर्स्ट 24 आवर्स में जो फॉलोअप था उसका पेन एकदम ना के बराबर था, कोई नौशिया नहीं था, कोई वॉमिटिंग का एपिसोड नहीं था,
और मजे की बात थी कि वो जो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन था, जो सुबह सुबह हो जाता था और उसको कपड़े लूज करने पड़ते थे, वो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन भी नहीं था। एपेटाइट इंप्रूव हुई शाम तक मेडिसिन देने के बाद, ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हैं, हैप्पी फील कर रही हैं कि अब वो ऑपरेशन से बच जाएंगी, अब वो बच जाएंगी, उनकी जान नहीं जाएगी, इस तरह का पॉजिटिव होप्स उनके अंदर आ गया। शी हैड पीसफुल स्लीप, डर नहीं लगा किसी तरीके का। एंड कुछ दिनों बाद जब हमने उनका सोनोग्राफी, उनको एक्चुअली हमने एडवाइस नहीं किया था लेकिन उन्होंने खुद ही कर लिया, जब उन्होंने किया तो उसके अंदर लिख कर आया, फाइंडिंग्स लाइकली रिप्रेजेंट एक्यूट टू सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब एक्यूट टू सब एक्यूट का मतलब होता है कि जो खतरा था वो टल चुका है, जो इन्फ्लेमेशन था वो अब रिड्यूस हो गया है, एंड इट इज टूवर्ड्स हीलिंग। थैंक यू। अगर इस केस के संबंध में कोई सवाल होंगे तो आप लोग पूछिए, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।